4000 प्रतिनिधियों को चोर बनाकर उनको आंदोलन के लिए मजबूर किया। जब वो सरकार से बात करने जाते हैं तो उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, और सरकार पूरी तरह तानाशाही पर आई हुई है, निरंकुशता पर आई हुई है, और ये लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या की है इन्होंने। चुने हुए प्रतिनिधियों को बगैर किसी कारण के चोर बताना, उन पर लाठी चार्ज करना और 4000 जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे दर्ज करना, इसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के खिलाफ सरपंचों के समर्थन में पुतला फूंक कर सरकार का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी सरपंचों के साथ खड़ी है। सरकार से हर वर्ग दुखी है। वो कर्मचारियों पर लाठी चार्ज कर रही है, व्यापारियों पर लाठी चार्ज कर रही है, किसानों पर लाठी चार्ज कर रही है, अब जनप्रतिनिधियों पर भी वो अपना बल प्रयोग कर रही है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय सिंह जी चौटाला, जो पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी को कहते हैं, वो पागल हो गया है। अगर वो पागल हो गया तो उसको सरकार में क्यों रखा हुआ, उसको पागलखाने में डालो। ये किस प्रकार से सरकार को चला रहे हैं। आज इन चीज़ों के विरोध में हमने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रवरता पूर्वक पंचायतों के चुने हुए सरपंचों का लाठी चार्ज किया पंचकुला में, उसके विरोध में पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने का कार्य किया। और आज हम सभी साथी मांग करते हैं कि जो ई टेंडरिंग प्रणाली है उसको ख़त्म किया जाए, जो चुने हुए छोटी सरकार उसको जो सुविधा है उनके अनुसार दी जाए, ताकि सही तरीके से हमारे गाँव का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। आज यही बात को लेकर सभी साथी ने वहाँ टाउन पार्क से चलकर बड़ी भारी गिनती में जहाँ आश्वासन क्या ऐसी खट्टर सरकार का पुतला फूक गया है। पिछले दिन ही जो पंचकूला के सरपंचा नाल मारपीट हुई है, ये बहुत ही गलत काम है। सरपंच आपका हक के अधिकार मंगन गए सी ताकि उठे जाके कि अधिकार मिले ने सरपंचा नु, अधिकार देन की बजाय की मिले है कुटमार डांगा सोटे की गल। सरपंच साडे इत्थे सोटे खान आए ने पंचकूला दे विच, जो कि खट्टर सरकार नहीं रही, उह तानाशाही सरकार बन गई है, जिन्हां ने धक्केशाही नाल तानाशाही सरकार ने साडे सरपंचां ते हमला किया। बहुत संख्या दे विच साडे सरपंच जिहड़े घायल भी होए ने मारपीट के दौरान। सो असीं आई बेनती करते हैं कि खट्टर सरकार मौके ते अस्तीफा देवे ते साडे सरपंचां नू अधिकार मिले जी। बिल्कुल, सरपंच जेडे ने ओ पिंडां दे विकास वास्ते खड़े हुंदे ने, ना कोई आपदे घर पालदे ने, ओ पिंडां दा विकास करदे ने। विकास दे दौरान ही जड़ी राशि मंगन गए सी जां कुछ भी आपदा टेंडरिंग पास करन वास्ते गए सी, उहनां नूं की मिलिया, धक्के मिले। उत्थे गुंडागर्दी सरकार ने फैलाई है, सो ये गुंडागर्दी खत्म करनी पेगी। सरकार नूं अस्तीफा दे के ते सरपंचां दे हक विच सरकार आम आदमी पार्टी खड़ी रहेगी। अज सारे प्रदेश दे विच सरपंचां दे हक दे विच अज सारिआं ने प्रदर्शन कीता है। सो अज असीं सब तों पहला टाउन पार्किंग इकट्ठे होए आम आदमी पार्टी दे जिन्ने भी कार्यकर्ता वर्करस, ते फिर असीं सुभाष चौंक च अज पुतला दहन कीता है कि कुछ तां शर्म करो, कुछ तां शर्म करो कि सरपंचां दे तुसीं बहुत ही लाठी चार्ज कीता है जो कि बहुत ही गलत है। सो इहनां नूं अस्तीफा देना पएगा, तां ही साडीआं मंगां पूरीआं हो।